मैक ओएस सोनामा नए फीचर्स के साथ कुछ कुछ बग्स भी लेकर के आया है और ये मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये फील कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों में मुझे क्या क्या परेशानी देखने को मिल रहा है। यूँ तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत लुभावने हैं, अगर आप अभी तक इंस्टॉल नहीं अपग्रेड नहीं किए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप कर भी लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके साथ क्या दिक्कत है जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैक ओएस सोनामा का पूरा अपडेट प्रोसेस मैंने चैनल पर अपलोड किया है, उसके साथ ही साथ उस वीडियो में पूरा नए फीचर्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। आप नहीं चेकआउट किए हैं जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों सबसे पहला बग की बात करें तो वो है विजिट्स ऐप में, ये जो फोटो वाला है इसमें मेरा मेमोरीज और फेवरेट मेमोरीज गायब हो गया है, जबकि मैंने पहले इसको कई दिनों से इसमें बहुत सारे फोटो, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे फोटोज लगा करके रखा हूँ मैं, ये सारे डिस्प्ले होते रहते थे, लेकिन जहाँ अगर बात करें मेमोरीज की तो मेमोरीज और फेवरेट वाले ये गायब कर दिया गया है, ये अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल गया है और यहाँ नहीं है, जिसके वजह से वो विजिट्स में मैं अपने फोटो को नहीं लगा पा रहा हूं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, शायद अपडेट के बाद हो या मैं इसका कुछ सोल्यूशन देख रहा हूं, सर्च कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारे चीज़ काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स रिटर्न प्लेसेस जितने भी चीज़ें हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहां से ये चीज़ गायब है, तो ये एक बग इसमें देखने को मिला है। बाकी अगर रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट का भी ऑप्शन बिल्कुल सारे जितने भी विजिट्स हैं वो सारे हैं, लेकिन ये सारे गायब हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, बग की बात करें, तो आई मूवी में है कि अब डायरेक्ट मैं इसको अपने फाइल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से सेलेक्ट करके अगर आई मूवीज वाले में फोल्डर में अगर वीडियोस को मैं ले जा रहा हूँ तो यहाँ से जा नहीं पा रहा है, ये एक बग देखने को मिल रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, अपडेट से पहले ये सारे बहुत ईजिली यहाँ इम्पोर्ट हो जाते थे, तो अब डायरेक्ट सिर्फ इम्पोर्ट मीडिया जो बटन आपको एरो दिख रहा है वहीं से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो ये एक और बग देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद ये सब सही हो जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो थोड़ा और वेट करवा रहा है, स्लो हो गया है मैक, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पिनिंग व्हील भी आ रहे हैं और कैनवा में भी दिक्कत मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें एक बग आ रहा है कि जो भी आप अपना थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं वो सेव नहीं हो पा रहा है। चलिए वो एक उदाहरण से इसको समझते हैं, देखते हैं। YouTube थंबनेल के लिए मैंने एक सेलेक्ट किया और चलिए स्टार्टर जहां मैं किया हूं कुछ सेव करके वहां से एक थंबनेल को सेलेक्ट करता हूं, किसी को भी इसको ले लेते हैं, उसके बाद इसको यूज़ दिस थंबनेल और यहां से जो एडिट करना है कर लीजिए, ये सब सारा तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव पर जाइएगा, सेव करना चाहिएगा, शेयर वाले ऑप्शन पर जाइएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ा होगा, क्या होगा जैसे कि अभी देखते हैं। चलिए सारा कुछ यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, अगर इसमें ऑप्शन की बात की है तो ये सारा पहले की तरह ही है, लेकिन जैसे ही इसको आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जो सेव का ऑप्शन आएगा वहाँ मेन प्रॉब्लम हो रहा है, और वहाँ देखिए आप कैसे यहाँ से ये सारा प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन जैसे ही सेव करने की बारी आएगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों चलिए इसका एक प्यारा सा नाम देते हैं जो कोई भी, अब इसको सेव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही एक प्रॉब्लम होगा, यही एक बग आपको देखने को मिलेगा, आप सेव नहीं कर पाएगा इसे। दोस्तों आपके साथ ये हो रहा है दिक्कत तो जरूर शेयर कीजिए, मेरे साथ तो हो रहा है, और इसको सारे सेटिंग करने के बाद भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब भी माउस को क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये एक भारी बग देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसको अपडेट करने पर सही हो, लेकिन मैंने इसको ऐप स्टोर में चेक किया और अपडेट भी किया, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम है, नहीं सेव हो पा रहा है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं जो सबसे हैवी एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग का, जी हाँ दोस्तों डाविंची रिजॉल्व, उसको ओपन करने में देख रहे हैं कि कितना समय लग रहा है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि पहले भी कुछ इतना ही समय लेता था, पहली बार अगर आप शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट करके इसको ओपन करते हैं, तो चलिए ओपन हो चुका है और इसमें मैं कुछ वीडियोज़ को ऐड कर लेते हैं इम्पोर्ट के फॉर टेस्टिंग कि इसमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से 3-4 फटाफट मैं अपने वीडियोस क्लिप को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड करने के बाद सारे कुछ टेस्टिंग शुरू करते हैं, तो इसको एडिटिंग वाले टूल में लाया जाए और इस पर सारे काम किया जाए, तो यहाँ से देख रहे हैं बहुत स्मूथ चल रहा है, और ये कुछ ट्रांजेक्शन इसमें है उसका भी मैं इफेक्ट दिखाने वाला हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं, तो मुझे अभी तक कोई इसमें लैग नहीं देखने को मिल रहा है, ये डाविंची रिजॉल्व में पहले की तरह ही वर्क कर रहा है, स्मूथ वर्क कर रहा है। और अगर इफेक्ट की बात करें, ट्रांजेक्शन इफेक्ट की बात करें, तो वो भी ठीक ही ठाक काम कर रहा है, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं इफेक्ट का, जैसे कि यहाँ से देखिए इसको अगर ये सब इफेक्ट को लगाते हैं तो ये बिल्कुल काम कर रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला। तो डाविंची रिजॉल्व में अभी तक तो कोई ऐसा बग नहीं देखने को मिल रहा है, और नहीं दिखे तो ही अच्छा है। तो दोस्तों अब आगे बात कर ले, तो मैक ओएस वेंचुरा का कुछ जो पिछले अपडेट्स आए थे उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, यहाँ जो सैमसंग का जो एसएसडी कार्ड लगाया है यहाँ ऑलवेज 2 शो करता था, जबकि मैंने सैमसंग का एक ही एसएसडी कार्ड लगाया था, तो ये एक बग बहुत दिनों से था, इसको सोल्व कर दिया गया है इस मैक ओएस सोनामा में, तो ये एक अच्छी खबर है। तो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप अपडेट नहीं किए हैं
बहुत अच्छा किए हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई इसका सोल्यूशन और ये बग सारे फिक्स हो जाएंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, उसके बाद आप ज़रूर कर लेना। अगर आप इसके बाद भी और ये नए नए फीचर्स के लालच के बस में हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपके केस में नहीं हो। मेरा जो मैक मिनी है वो बेस वेरियंट है 8 GB का, तो हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाई।